कही ये सबके छीजवाड़ा भी है, लेकिन भगवान का दरबार में कई चीज को छीजवाड़ो नहीं राखनो। मारे कही है मुँह भी ईशान मोटा मोटा प्रोग्राम में जाऊं। एक दिन कही हो कि मारे भाई साहब चैनसुख जी प्रोग्राम बुक की दो कोटा, और मैंने क्यों मैं सब कलाकार डायरेक्ट भिलवाड़ा गाड़ी लिए ना, और था चित्तौड़ दो चार लोकल हो जो बस में निकल जाइयो। मैं क्यों अपने तो कम्मा खानो, मुई बस में बैठन कोटा जा उतरियो। प्रोग्राम को टाइम वे गयो, टेंट वेंट लाग गया, साउंड लाग गया, पब्लिक आ गई, और यहाँ को पत्तू ही कोनी। अब मुँह वटे फरियो जो कार्यकर्ता मैंने पूछो था कि कलाकार आया कोनी, देखा फोन लगा घटे गया। मैं फोन लगाया, मैं क्यों यार पैसा पहुंचा कोनी, जो पहुंचे गई माँ के तो गाड़ी खराब है कि जो माँ तो आल भिलवाड़ी बेटा, और थो सीकर कार्यकर्ताओं बात कर जो प्रोग्राम काले रे बदे वहाँ वोटे लाखों रुपया खर्चो वे रियो प्रोग्राम काले रेवे। अन मुई बोलो गुणो जो जाते ने, मैं क्यों आज प्रोग्राम नहीं रहा काले रहा। तो कार्यकर्ता रीस आगी गई अत्र मनका ने बेंडा हमज मिले, प्रोग्राम चालू कर। अब चालू करे जी पेली मन भजन नहीं आवे, जैसे याद आसी पांच भजन कीधा ने, मैं क्यों भाई साहब भजन खत्म। अब मारो हिसाब कर दो, मुँह घरे जाऊँ तो हिसाब तो ठीक है, चार बजे पहले तू टांगड़ी भी नहीं हल्ला सके। मैं क्यों यार मुँह कहीं भजन थोड़ी कहूँ, मुँह तो कॉमेडी करूँ, तो कॉमेडी होना कॉमेडिया होना बल लगे बारह बज की। मैं क्यों भाई साहब कॉमेडिया भी खत्म, कही दो तू नहीं जा सके, कॉमेडिया खत्म है तो कहने ही किया, पढ़ केणिया के बल लगे दो बज की। मैं क्यों भाई साहब कहणिया भी खत्म, कही दो तू नहीं जा सके। पचे मैं तरकीब नंबर 13 लगाई, मैं क्यों भाई साहब कहनी एक और याद है, पर दिन की 11-12 बजे पहली खत्म नहीं वेला, क्यों चालू कर दे हूँ ना। मैं क्यों एक जनों हूँ करो भरजू, क्यों ठीक है। मैं क्यों हमारे गांव में एक सेठ जी है, क्यों फिर। मैं क्यों फिर गई, सेठ जी के 40 बीघा जमीन है, क्यों फिर। मैं क्यों फिर गई, 40 बीघा में 4-4 बोरी गहूँ भी, क्यों फिर। मैं क्यों फिर गई, गहूँ ने ले जान मंडी में खाली कर दी था, क्यों फिर। मैं क्यों नोटबंदी वेगी गहूँ बिकी को नहीं, क्यों फिर। मैं क्यों फिर गई, एक चरकली आवे दाणो लेन फ्रीज आवे, क्यों फिर। मैं क्यों फिर चरकली आवे फिर दाणो लेन फ्रीज आवे, क्यों फिर। मैं क्यों फिर चरकली आवे फिर दाणो लेन फ्रीज आवे, क्यों फिर। मैं क्यों फिर चरकली आवे फिर दाणो लेन फ्रीज आवे। अनी बात ने 2 घंटा तक कही दो, कार्यकर्ता घबरान मैंने क्यों अब कतरी मोटी रहे। मैं क्यों भाई साहब आल तो किलो खान गहूँ लगी चरकली, बाकी सब मंडी में पड़िया थका, जदी जान छोड़ियो। और देखो बानु मारी शादी ही शादी रिटर्न फॉर 4th नंबर की शादी, 4th नंबर की कहा कि मुँह तो नाच तो फिर लुकई भाग जा पाची दूसरी लानी पड़े। अनी बात है 4th नंबर की शादी ही, शादी घनी जोरदार ही, आपने आप तो खैर आई ही को नहीं, मुँह आ रही होटे पर कंकुपुत्रिया लेने पर लॉकडाउन लग गया आ नहीं सको। शादी खैर शादियाँ आपकी भी पर था कि शादियाँ कही एक नॉर्मल है, मारी शादी घनी जोरदार ही, अतरो खर्चो की तो मारा पिताजी मुँह कही कह रही एक ही जनों सातों नहीं जिम सीखियो, खावे तो खावे कही अने कैसियान खावे, कहाँ रसोई घर के ताड़ो लगान चाबी लेन मुँह घोड़ी पे बैठो। अब मनक भरिया खावा घटे, मारी शादी में बैंड अलग डीजे अलग, बंदोली में नाचबा के लिए डांसर, अन तोरण मारबा के लिए बांकियों भी मंगायो, मारा पिताजी के भी शौक गुणो। अब बांकिया वालों दिन में 2 बजे आ गयो, मारा पिताजी क्यों सुबह 4 बजे को टीएम में तोरण को थाने उठान दे वहाँ स्कूल में जान को डेरो थू जान हो जा, वो स्कूल में जान हो गयो। अब बंदोली स्टार्ट हो बाबू टीएम डांसर ही लेट, क्यों भैया खाना, मैं क्यों खानो तो खत्म नहीं है, पकौड़ी खे है जो खान काम चालू करो। अन हलवाई के भी वनी तेने बुकिंग गणी है जो मारो बैठो, लास्ट में काची काची पकौड़ी काट गयो। अब आगती आगती पकौड़ी खान बंदोली स्टार्ट, बंदोली चाल रही हकड़ी गली में, हकड़ी हकड़ी गलिया में बंदोली, अब बंदोली चाल रही हकड़ी गली में, गाना चाल रहा स्पीड का, अन ऐसी काची पकौड़ी खाती थकी, गाना चाल रही हाय रब्बा हाय वो धुड़ो उड़ा मिलू। 12-1 बजे तक तो हाउस चल ली, जो हाड़ा 12-1 बजे 1:30 बजे के भी पेट में गड़बड़ी। अब जावे तो जावे घटे हकड़ी गली में बंदोली, अब मनका ने कहवा तो मनक दांत काटे। अब वहां का स्टाफ कहा जो ढोलन बजा रही जाने जाने इशारों हम जा रही पेट के हाथ लगान केरी हाय रब्बा हाय रब्बा हाय, तो ढोल वाले अत्यारो नाम नहीं ले रहे हो डंको हम जा रही हो, वह कह रही हाय रब्बा हाय, वो कह रही डन डनक डन डनक, वो कह रही तारी इच्छा वजन नहीं हरकत है, कोई तकलीफ नहीं है, पर आखिर में लेडीज है यार शर्म आवे, जावे तो जावे कटे हकड़ी गली में बंदोली। पचे की ऑर्गन वाला ने कहे तो ऑर्गन वाला पहली करी रड़ वो कह रही रड़फड़ कर दे अतरी दांतों में कहीं नंगे पड़ रही गई, पर आखिर में शर्म आवे घबराई थी कि बाकी स्कूल में तो स्कूल में लेटरिन बाथरूम को नहीं। अब अड़नों ने नाली कटी जगह नहीं मिली तो माँ के बांकिया वालों दिन में 2 बजे आन हुतो तो को बांकिया ने खूंटी के टेर में लियो वापू की जो बांकिया में जा काम कंप्लीट की दो पासी आन नाश बल आई। मारा पिताजी क्यों बंदोली बंद करो तोरण मारा बांकिया वाला ने बुलाओ, तो बांकिया वालों तो ले निश्चिंत वेन हुतो 4 बजे उठनो, 2-4 जना आगता आज क्यों ले उठ 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 लेट वेरिया यार तू हुतो तोरण को टेम बेचारा ने आगतू उठानियो निंदा में वही बांकिया ने खांदा के टेरियो भजन लागियो पर वही देखियो कटी यार नींदा में उठिया जो भजन हेलो लाग रियो दिखे आई गयो। मारा पिताजी को लगा फूंक
અબે ફૂંક લગાવે તો હવા પાસ નહીં વેરી. વણી જોર ઘરું તો ચેક કરીને લાવ્યો, ચક્કર કઈ પડ્યો, ફેર ફૂંક લગાવી ફેર હવા નહીં નીકળી. વણી દેખ્યો કે એર લેલ દીધી કે પાણી કો જગ લાવો, પાણી કો જગ મેં કૂડ ને માર દીને રાખ ને લગાવ્યો ફૂંક, જો આકાર ની સાંઠ નાખ્યો તોરણ કુણ મારે, હું તો ગોડી પર ઉતરે ને પાણી કી કુંડિયા હોત તો ભરી. મેં કયો ખગોળો ખાલે તો જીવ હોરો વેજા. ઓર સાદી વી ઓર સાદી વેતઈ ને આપા ઘરે આપી ઘરી સાયા વેવો સાદી વેતઈ ઘરે આવા. જો ફર્સ્ટ રાત રહેવે વિને આપા કઈ બોલા, આપણે હિન્દુ સંસ્કૃતિ મેં સ્વાગ રાત. હું ઘરે આવ્યો, ઘરે આવ્યો મારી ઈચ્છા ને કમરો અમરો સજા મેલ્યો અને ચારું મેર ફૂંકા ને કઈ ટેર મેલ્યા અને માછો એ પલંગ બળિયા સજા મેલ્યો. હું પે મારી લુગઈ બેઠી થકી અકેલી કમરા મેં ઘૂંઘટ ગાર્ડન. હું ગયો કમરા મેં જાનવી કા મેરે બેટ, અબે હું ગામે બે કશી લુગઈ હું બાત નહીં કીધી ભાઈ સાહેબ. તો મને તો શરમ આવે યાર, એને કેવા કઈ. મેં કહ્યું યાર તું નરી દેર વેગી બેટા બેટા ને વા માર દીન દે કે હું વિકા દીન દેખું. મેં કહ્યું યાર કઈ કહેવે તો હું એને કઈ કહું. નરી દેર વેગી વા કઈ કહી નહીં રહી ને હું બેઠો. મેં કહ્યું ટેમ નીકળ્યું યાર, કઈ કઈ બાત તો કરા. હું મેરે બેઠો બેઠો મેં કહ્યું એને કાંઈ હે તારું નામ કહી હે. મને કહ્યું થાને મારું નામ યાદ નહીં હે, થાને મારું નામ યાદ નહીં હે. કહો હા કહો જદી થાને મારું નામ યાદ કોઈ નહીં, જદી કંકોપત્રીમાં કઈ થાય મોટી ભાઈ કો નામ લિખાયો. અરે મેં કહ્યું કોની મજાક કર્યું. યું વાત કરતા ને હું વિકા મેરે ભાઈસા પલંગ પે જાન બેઠ ગયો. પલંગ પે બેઠ્યો અને વિકે તો કાણા કઈ ચક્કર પડ્યો. જો વિનદ બાવજી આવા લાગ્યા અને ઓતરબા લાગી વા તો બાર મેલે જોર જોર આ હે જોઈ. વણી હાકો કીધો અને હું પલંગ પર કૂદ નીચે બેઠ ગયો. મેં કહ્યું કાણા કઈ લપડો ખજાના ડાકણ ભૂત કો લપડો હે ખજાના દેવતા આર્યા કઈ ધ્યાન. હું હાથ જોડને બેઠ ગયો. અબ્બા વા કલગારિયા કરે અને મને કહે બોલ આજ કે બાદ તારા ઘર મેં સુખ શાંતિ કર દઉં તો કઈ કહેગા. મેં કહ્યું કઈ બાત નહીં બાવજી, આપ કેવો જશાન કહે રહા, કઈ તકલીફ નહીં હે. બોલ આજ હું તારી ઘર ગ્રસ્તી બઢિયા ચાલી. મેં કહ્યું બાવજી સહી હે. અબે વા મને કહે રહી ને હું નીચે બેઠો હાથ જોડન, પણ મારે એ સમજમાં નહીં આ રહી કે હું આકા પાતી ખાઉં કન સ્વાગરાત મને. બેઠો બેઠો પરેશાન વહી ગયો. પછી વણી કહ્યો બોલ આજ કે બાદ તારે કઈ પૂછનો હોય તો પૂછ લે. મેં કહ્યું બાવજી મારે કઈ જ નહીં સારું, મને એવું બતાવું રોજ કતરી બજે આવો આપ. વણી ટેમ્પે હું મહિને નહીં તો મારી શાદી ઘણી જોરદાર હી